हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के असाइनमेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो सेकेंड ईयर के असाइनमेंट का क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आपको इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। आप अगर चाहें तो इस असाइनमेंट को जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे इस वीडियो से क्वेश्चन को लिख सकते हैं और फिर अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि असाइनमेंट क्या है सेकेंड ईयर का। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये सेकेंड ईयर का असाइनमेंट है, और मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा दूँ कि ये द्वितीय वर्ष सत्रीय कार्य 2018 का ये असाइनमेंट है, जिसमें कि सबसे पहले 506 इसमें आपको समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना, ये इस पर तैयार करना है असाइनमेंट। तो यहाँ पर सत्रीय कार्य 506 का सत्रीय कार्य एक, इसमें आपको कुल अंक है 30, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, और ये 500 शब्दों में उत्तर देना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि विकास के विविध आयामों की व्याख्या कीजिए। बच्चों के वृद्धि एवं विकास में परिवार, शिक्षक तथा सज्जन संचार माध्यमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। इसमें आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इसी में आप अथवा लिख सकते हैं क्या कि कारण लिखिए कि शिक्षक के लिए आनुवांशिकता एवं वातावरण के भूमिका को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है 506 का फर्स्ट असाइनमेंट का, कि क्या आप महसूस करते हैं कि हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव व्याप्त है। अपने उत्तर के पक्ष में समुचित उदाहरण दीजिए। या इसका दूसरा क्वेश्चन है कि जेंडर निष्पक्ष समाज की रचना में परिवार, सज्जन संचार माध्यम तथा शिक्षक भूमिका की चर्चा कीजिए। दूसरा सत्रीय कार्य दो में, असाइनमेंट दो में आपको फिर से 500 शब्दों में उत्तर देना है। उसमें से आपको पहला क्वेश्चन है कि उचित उदाहरणों की सहायता से कक्षा कक्ष में अभिप्रेरणा की विविध तकनीकों की व्याख्या कीजिए। या इसका दूसरा क्वेश्चन है कि चिंतन कौशल क्या है। बच्चे में चिंतन कौशलों के विकास हेतु परिवार, समाज तथा शिक्षक की भूमिका की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है सृजनात्मक की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। आप सृजनात्मक को बढ़ावा देने हेतु किस प्रकार शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करेंगे। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अथवा इसका दूसरा क्वेश्चन है व्याख्या कीजिए कि आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी युक्ति अपनाएंगे और क्यों। आप सृजनात्मकता का आकलन कैसे करेंगे। और तीसरा असाइनमेंट, जिसमें कि आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है, और इसमें भी आपको प्रत्येक प्रश्न पे 5 अंक मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय का अवलोकन कीजिए तथा बच्चों के उन प्रमुख समूहों जिनका शैक्षिक तंत्र से बहिष्कार होने का खतरा है पर विविध कारकों के संदर्भ में एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इस समूहों के समावेश हेतु सुझाव दीजिए। या इसका दूसरा क्वेश्चन है अपने पड़ोस के दो विद्यालयों का दौरा कीजिए। समावेशी विद्यालय के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों की सुनिश्चितता अवलोकन के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। निष्कर्ष निकालिए तथा सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ये था आपका पहला 506 का असाइनमेंट, पहला, दूसरा और तीसरा। अब आपको असाइनमेंट 507 का पहला असाइनमेंट, ये आप देख रहे हैं, इसमें भी 30 अंक है, और इसका जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो भी 5 शब्दों में लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा और समाजीकरण किस प्रकार अंतर संबंधित है। व्याख्या कीजिए शिक्षार्थी के जीवन कौशलों के विकास में समुदाय का क्या प्रभाव होता है, चर्चा कीजिए। अथवा है शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक घटकों तथा शिक्षार्थी के सांस्कृतिक विकास में समुदाय के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षा में समुदाय को सम्मिलित करने की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। विद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु समुदाय को किस प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है, कम से कम 5 तरीके बताइए। अथवा में है विद्यालय शिक्षा के किन किन क्षेत्र में समुदाय को सम्मिलित किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 विद्यालय शिक्षा में समुदाय को सम्मिलित करने हेतु किस प्रकार सहायक है, चर्चा कीजिए। सत्रीय कार्य दो असाइनमेंट दो में आपको फिर से 500 शब्दों में उत्तर देना है, और उसमें पहला क्वेश्चन है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम के अधीन एक शिक्षक की बहुमुखी भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। अथवा है नेतृत्व क्या है, एक शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है। नेतृत्व की शैलियाँ कौन सी है, अपने शिक्षार्थियों के उपयुक्त विकास हेतु आप कौन सी नीतियाँ शैली अपनाएंगे और क्यों। दूसरा क्वेश्चन है विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। विभिन्न विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए आप इन संस्थाओं के साथ किस प्रकार अंतर्क्रिया करते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
अथवा है सामुदायिक संचालन किया है। एक विद्यालय तंत्र के लिए यह क्यों आवश्यक है? एक शिक्षक के नाते एक प्रभावशाली समुदाय संचालन बनाने के लिए आपके पास कौन से गुण और कौशलों का होना आवश्यक है, चर्चा कीजिए। अगला असाइनमेंट है असाइनमेंट 3। इसमें आपको फिर से 1000 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय के प्रबंधन हेतु किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अपने विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन हेतु किन्हीं 3 व्यावहारिक सुझावों को लिखिए तथा इन सुझावों को लागू करने की योजना लिखिए। अथवा है संसाधन प्रबंधन के आधार पर अपने विद्यालय का कैसे अध्ययन तैयार कीजिए और सफलताओं और दुर्बलताओं की पहचान कीजिए। अपने विद्यालय के संसाधन प्रबंधन में समुदाय को सम्मिलित करने हेतु किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। यह आपके 10 नंबर का है। और उसके बाद है कोर्स 508 का, जिसमें आपको पढ़ना है प्रारंभिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा सीखना। इसमें भी 30 मार्क्स है। पहला असाइनमेंट इसका है कि विद्यालय में दैनिक शिक्षण अधिगम में कला शिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृश्य एवं निष्पादन कला के एक एक क्रियाकलाप का चयन करके इस कथन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अथवा है विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए मुखेटा एवं कठपुतलियों दोनों ही अन्वेषण व प्रयोगीकरण के लिए एक सशक्त माध्यम है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है निष्पादन कला क्रियाकलापों को प्रभावी बनाने के लिए योजना व तैयारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन की विवेचना करें। इसी में अफवाह है कला शिक्षण में मूल्यांकन के सूचक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आपको 508 में असाइनमेंट 2 भी तैयार करना है, जिसमें कि फिर से 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण वो सार्थक शारीरिक श्रम के परिप्रक्ष कार्य शिक्षा के अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अथवा कक्षा 6 के कार्य शिक्षा से संबंधित किसी एक क्रियाकलाप का चयन करके स्पष्ट करें कि उसके द्वारा गणित, भाषा विज्ञान व सामाजिक अध्ययन का एकीकरण कैसे किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कार्य शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों में विद्यार्थियों का सामूहिकरण व समय निर्धारण एक सशक्त भूमिका रखते हैं, इस कथन को स्पष्ट करें। अथवा है आकलन के किसी दो उपकरणों का चयन करके कक्षा 7 के कार्य शिक्षा से संबंधित किसी एक क्रियाकलाप का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट करें। इसका है असाइनमेंट 3। इसमें आपको 5 शब्दों में उत्तर देना है। और पहला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की चर्चा कीजिए। अथवा भी है इसमें अगला है अथवा में स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इष्टतम अधिकतम के परिप्रक्ष्य में इन 2 घटकों की उपयोगिता को स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या है, रक्तचाप व बेहोश होने पर बालक को प्राथमिक शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, स्पष्ट करें। अथवा है शारीरिक शिक्षा की पाठ योजना बनाने के सिद्धांत कौन कौन से व्याख्या कीजिए। इतिहास कोर्स 5.9 5.9 में आपको पढ़ना है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान अधिगम। इसे पहला असाइनमेंट है। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। बदलते हुए सामाजिक दृश्य के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के भारतीय परिप्रक्ष की चर्चा कीजिए। अथवा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में सम्मिलित मूल्यों और आदर्शों की चर्चा कीजिए। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के लिए राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्या लाभ हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयी पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की स्थिति का वर्णन कीजिए। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषयों को सूचीबद्ध कीजिए। अथवा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में इतिहास के महत्व की व्याख्या कीजिए। अपने विद्यार्थियों के सार्थक अधिगम हेतु आप इतिहास पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। आपको असाइनमेंट 2 भी लिखना है। उसमें आपका पहला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में मूल के शिक्षण की आवश्यकता बताइए। कक्षा 6 से 8 की सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में से अपने रुचि का भूगोल विषय का पाठ चुनकर एक पाठ योजना तैयार कीजिए। अथवा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन की विषय वस्तु के क्षेत्र क्या हैं, इनसे सीखने के शिक्षण सिद्धांत और सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।
इसका दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता धर्म धार्मिक और भाषी सहित के आधार पर अपने शिक्षार्थियों का प्रोफाइल तैयार कीजिए तथा उनके लिए अधिगम गतिविधियां बनाइए अथवा है अपनी कक्षा को शिक्षार्थी केंद्रित बनाने के लिए कुछ कम से कम 5 गतिविधि तैयार कीजिए। उसके बाद है असाइनमेंट 3 और वो कह रहा है इसमें 5 शब्दों में उत्तर देना है। फिर कह रहा है पहला क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए अधिगम संसाधनों की क्या आवश्यकता है। अपने विद्यालय में सामाजिक विज्ञान हेतु अधिगम संसाधन केंद्र स्थापित करने की एक योजना बनाइए अथवा सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आप अपने विद्यार्थियों के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का उपयोग कैसे करते हैं अपने स्वयं के अनुभवों पर आधारित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था आपके 509 तक का असाइनमेंट का क्वेश्चन। अब यहाँ पे 510 का भी असाइनमेंट का क्वेश्चन हो सकता है वैसे स्टूडेंट के लिए वैसे प्रतिभागी के लिए जिसने डीएलएड का फॉर्म साइंस से भरा है जो साइंस से डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए 510 का असाइनमेंट तैयार करना पड़ेगा 509 के जगह पे। उसमें उसका पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट 1 में कि अनुभववाद संदेहवाद व तर्कनवाद में उपयुक्त उदाहरणों सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यह है निम्नलिखित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुणों के उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पहला है निष्पक्षता और दूसरा है संदेहवाद। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित दो शर्तों को एक वैज्ञानिक परिकल्पना को पूरा करना चाहिए। इसमें है यह परमाणुओं के अनुरूप होनी चाहिए, यह परीक्षण योग्य होनी चाहिए, उपयुक्त उदाहरण सहित उपरोक्त दोनों शर्तों की व्याख्या कीजिए। या फिर है बहुसंवेदी अधिगम विद्यार्थियों को हमेशा लाभ पहुंचाता है, दो युक्त उदाहरण सहित इस कथन की व्याख्या कीजिए। असाइनमेंट 2 तैयार करना है उसमें है पहला क्वेश्चन विज्ञान शिक्षण के वर्णनात्मक प्रसारण खोज एवं जांच उपागमों में से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं की एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए जिसमें कि संरचना है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। अगला है कक्षा 7 के विज्ञान पाठ्य पुस्तक से अपनी पसंद का एक प्रकरण चुनें और उसका विश्लेषण करें कि क्या वह थीम अथवा विषय केंद्रित उपागम पर आधारित है। अपने पक्ष में तर्क दीजिए। और लास्ट असाइनमेंट है असाइनमेंट 3, इसमें 1000 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कक्षा 7 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक से अपने पसंद का एक पाठ चुनें और खोज उपागम पर आधारित एक उपयुक्त पाठ योजना बनाएं। अथवा है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक भावनात्मक एवं कौशलात्मक पक्षों का आकलन शिक्षक के द्वारा जिन तकनीक और साधन के द्वारा होने चाहिए उनके व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों से दीजिए। इसमें ये था आपका फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के सारे असाइनमेंट का क्वेश्चन। अगर आपने असाइनमेंट को डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो से उन सारे क्वेश्चन को लिख करके अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप अगर असाइनमेंट तैयार करवाते हैं तो मैं भी असाइनमेंट तैयार करके वीडियो बना के डाल दूँगा, आप वहाँ से फिर अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं और इसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करें।